दैनिक सवेरा देख रहे हो तुम, मैं मसंग दिखपाल। पंजाब दे विच चोणों का जिहड़ा कि बिगल वज चुकिया होया, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुकिया होया, क्योंकि कई लीडर इहो जिहे सन जिहड़े कि कोड ऑफ कंडक्ट लगन की वेट दे विच सन, तां जिद्दां ही कोड ऑफ कंडक्ट लगदा तां अगले दिन ही जिहड़ियां कि पार्टी दे विचों दल बदलू ने जिहड़े कि दल बदलते नज़र आ रहे हैं। सो अकाली दल की गल करांगे। अकाली दल लुधियाणा तो प्रधान गुरदीप सिंह गोशा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाले थे लुधियाणा शहर के, तो अज सवेरे भाजपा के जिहड़ा कि ज्वाइन कर लेने। हालांकि भाजपा को काफ़ी ज़्यादा कोस दे जरूर थी सोशल मीडिया उत्ते खबरों के उत्ते, पर अज जाकर उन्होंने वालों भाजपा जिहड़ा कि पल्ला फड़ लिया गया है। सो गलबात करांगे अकाली दल के यूथ आगू यूथ प्रधान मनप्रीत मन्ना साडे नाल मौजूद ने। मन्ना जी, किवें देखते हो तुहाडे सबका जिहड़े कि यूथ प्रधान से, पहला भाजपा बारे इन्नी सख्त शब्दावली बोलनी, अकाली दल की हिमायत करनी, तो जकदम रातों रात किवें जाने कि भाजपा शामिल हो गए जाके? देखो, एक कोड ऑफ कंडक्ट जिवें तुसीं जाणदे हो वी दो दिन पहला कोड ऑफ कंडक्ट लग्या, ये केवल तो केवल कुर्सियां का लालच है, टिकटां का लालच है। सारिया पार्टियां अपनी अपनी टिकटां अनाउंस कर चुकियां, सिर्फ बीजेपी के इहो जी पार्टी है जिन्हां कोल 117 विधानसभा हल्कियां दे कैंडीडेट भी नहीं है, तो सिर्फ इलैक्शन लड़न की चाह के खातर ये जिहड़े अज कुछ लीडर पार्टियां बदल रहे हैं, चाहे वह कोई कांग्रेस दे कोई अकाली दल दे। पर मैं समझदा भी पार्टियां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, पार्टियां उत्थे दियां उत्थे खड़ियां रहिंदियां, लोकां दियां भावनावां पार्टियां दे नाल जुड़ियां, लोकां दियां भावनावां इहो जे लीडरां दे नाल नहीं जो मौका प्रस्त। एक सब तो वड्डा गुनाह अकिरतकण होना, जिहड़ी पार्टी ने अज नाम बना के दिता, जिहड़ी पार्टी करके अज गुरदीप सिंह गोशा इत्थे तक पहुँचा सी, उहनूं धोखा देना। वैसे इन्हां दी तां पुरानी आदत है, 2012 वाली इलैक्शन तो पहला भी पार्टी छड़ के चले गए, जिस दिन सरकार बन गई सी उदों ये पार्टी विच आ गए। तो इस करके इन्हां बारे आपां कोई बहुती गल नहीं करना चाहुंदे, वी जिहड़े सत्ता दे लालची कुर्सियां दे लालची लोग आ इन्हां नाल पार्टियां नूं कोई फर्क नहीं पैण लग्गा। टटीरी भी जदों लेटी हुंदी है तो लत्तां उत्ते नूं करके ऐ समझदी है भी सारा आसमान कितें मैं ही सारा भार चक्या होया, तो ये तो बाद च पता लगता हुंदा भी वह वहम सी कि सच सी। तो उही गल है भी 100 दिन चोर का तो 1 दिन साध का, ये अज ये दल बदलूआ का दिन चल रहे हैं, जिन्होंने दल बदलने हैं, जिन्होंने मौका प्रस्ती देख के मौका प्रस्त जिहड़े लीडर है इन्होंने देखना हुण मौका आया जे टिकट मिल सकती है। पर वो हाल देख लो, कई इहोजे लीडर है जिहड़े पार्टियां छड़ के गए, अज उन्हां दा की हाल है? किसी का कोई वजूद नहीं बनता, अपनी पार्टी के नाल अपने धड़े के नाल ही वजूद है। जे यूथ अकाली दल ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਟਿਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ? ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਟ ਕਿਤੋਂ ਕਹਿਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹ ਹੈ MLA ਲੜਨਾ, ਅਤੇ MLA ਜਿੱਤਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ MLA ਲੜ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਬਣਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਾਡੂ ਖਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਯੂਥ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਯੂਥ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਯੂਥ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ,
पार्टियां उत्थे दियां उत्थे खड़ियां रहिंदियां, लोग पार्टियां दे इतिहास दे नाल जुड़े आ, पार्टियां दियां कुर्बानियां दे नाल जुड़े आ, पार्टियां दे जिहड़े उम्मीदवार आ एमएलएयां दे उहनां नाल जुड़े आ, पंजाब दे मुख्यमंत्री दे उम्मीदवार दे नाल जुड़े आ। देखो एक जिला प्रधान पंजाब दे विच 35 जिला प्रधान आ जी उत्थे अकाली दल दे, ते इक दे जाण नाल कोई फर्क नहीं पैण लगा, फर्क पऊगा पर सिर्फ गुरदीप सिंह गोशा जी नूं पऊगा, पार्टी उत्थे दी उत्थे आ। तकड़े हो के यूथ अकाली दल का समुचा एक एक वर्कर यूथ अकाली दल के नाल खड़ा, पार्टी के नाल खड़ा, सरदार सुखबीर सिंह बादल ते बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के सोच के नाल खड़ा, ते आन वाले समय के 2022 दे विच सुखबीर सिंह बादल ते सरदार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की अगवाई दे विच ये सरकार बनावांगे। तुहाडे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, वह की मुद्दा सी? जिहड़ा पिछले दिनी कांग्रेस पार्टी ने बदलाखोरी की भावना तहत एक झूठा परचा जिहड़ा सरदार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के उत्ते दर्ज किया, उहदे विच हाई कोर्ट ने सानू बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जी नूं अगाऊ जमानत दित्ती है, अरैसट दे उत्ते स्टे लगाई है, ते ये साफ किया भी सरदार बिक्रमजीत सिंह मजीठिया जी नूं जिहड़ी है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करन, ते जिथे उहनां नूं जमानत मिली है साडी ये सानू विश्वास भी है भी जिहड़े बिक्रमजीत सिंह मजीठिया इस केस दे विच पाक ते साफ निकलणगे, बरी होणगे, ते किसे भी क्योंकि बड़ी कमजोर FIR दर्ज की गई है, जिते श्रोमणी अकाली दल ते यूथ अकाली दल के वर्करा ने उन्होंने हक के आवाज़ बुलंद की है, उत्ते साडे विरोधी आप पार्टी तो राघव चड्डा केजरीवाल मनप्रीत बादल इन्होंने भी इत्थे तक ये गल कही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये गल कही है भी ये बड़ी कमजोर FIR एक दर्ज की गई है जिदे लई इन्हां नूं DGP रैंक के 2 अफसर बदलने पे, ADGP रैंक के 3 अफसर बदलने पे, ते कई अफसर बीमारी दा या बहाना ला के छुट्टियां ते चले गए, ते जे ये कोई सच्ची FIR होंगी तो एक छोटे तो छोटे SHO ने भी दर्ज कर देनी सी। तो ये सन यूथ अकाली दल के प्रधान मनप्रीत मन्ना जी जिन्हों वालों कहा जा रहा है कि जो गुरदीप सिंह गोशा जी ने सिर्फ तो सिर्फ वो सिर्फ एक हलका MLA की टिकट लैन के खातर जिहड़ा कि भाजपा में ज्वाइनिंग जरूर कर रहे हैं, हालांकि यही गुरदीप सिंह गोशा ने जिहड़ा दिल्ली किसानी अंदोलन के भी भाजपा को कोसते रहे, लुधियाने के अगर गल करिए लगातार एक्टिव रहिंदे ने, काफ़ी सेवा भी करते हैं पर भाजपा के उत्ते लगातार हमलावर होंगे ने, पर अज अचानक अचनचेत जिहड़ा कि यूथ अकाली दल के प्रधान के वलों गुरदीप सिंह गोशा के वलों भाजपा जिहड़ा कि पल्ला फड़ लिया गया, सो इल्जाम यही लग रहे हैं यूथ अकाली दल के आगू इल्जाम ला रहे हैं मतलब मन्ना कि सिर्फ जी टिकट लैन की जी खातिर उन्होंने वालों भाजपा जी की ज्वाइन की गई है। कैमरा पर्सन बोबी नाल हिम्मत सिंह दिकपाल दैनिक सवेरा लुधियाना। अलीशा बेगम, ना कोई चैलेंज ना कोई इनाम, सिर्फ काम को सलाम, वशीकरण करवाना हो या तुड़वाना हो, प्यार में धोखा, शादी के लिए माँ बाप का ना मानना, काम वही जो सर चढ़कर बोले, इधर उधर ना भटके, दुआ भी तकदीर बदल सकती है, सोचने से नहीं फोन करने से दुख दूर होंगे, झूठे और मीठे बनकर लूटने वालों से सावधान, हर समस्या का समाधान 3 दिनों में किया जाता है, अगर आपकी किस्मत में लॉटरी है तो इसे कैसे हासिल करें, सुपर स्पेशलिस्ट, पति पत्नी में अनबन, प्रेम विवाह, नौकरी, कारोबार में रुकावट, कोर्ट केस, तलाक केस, सौतन दुश्मन से छुटकारा, लॉटरी, सट्टा नंबर, वशीकरण करवाना ये तुड़वाना, बीमारी में दवा ना लगना, अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारियां थामा तो निराश होते मायूस होने वाले, एक बार फोन जरूर करो, जिवे चाहोगे ओमे होएगा, इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर, A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल, वशीकरण ते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन ते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी चनबन, जद उटोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ, जद तुड़वाओ, रुसे नु मनाओ, हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98199 37 467।